अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मीना। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। नमक लिए मैंने 1 चम्मच, सुरख मिर्ची लिए 2 चम्मच, हल्दी लिए 1.5 चम्मच, धनिया और जीरा पिसा हुआ लिए 1 चम्मच, एक टमाटर, 6-7 सब्ज़ी मिर्ची, अदरक लहसुन को मैंने इकट्ठा ब्लेंड किया है, 2 प्याज काट ली हैं, 1.5 प्याली मैंने बेसन लिया है और तकरीबन 1.5 लीटर लस्सी ली है। एक पतीला लिया मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया। मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, ऑयल डाला मैंने तकरीबन 1 कप। ऑयल गर्म हो चुका, मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगी। अब मैं डालूंगी टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्ची का पेस्ट। साथ ही बाकी मसाले डाल दूंगी। नमक, सुरख मिर्ची, धनिया, जीरा पिसा और हल्दी। अब मसाले को 3-4 मिनट तक भून लूंगी। मसाले को मैंने 3-4 मिनट तक भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर लस्सी। लस्सी के अंदर बेसन डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। पानी डालूंगी तकरीबन 1 लीटर। डेढ़ लीटर लस्सी थी तो तकरीबन 1 लीटर मैंने और पानी डाला है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, इसे पकने दूंगी लो फ्लेम पर। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। पहले मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। पकौड़े मैंने बना लिए हैं, अब मैं डाल दूंगी इसे कढ़ी के अंदर। पकौड़ों की रेसिपी पहले मैंने शेयर की हुई है 2-3। अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूंगी। फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। तड़के के लिए मैंने एक पैन ली है, मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। ऑयल डाला मैंने तकरीबन 1/2 कप। मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा इसके अंदर। इसे फ्राई कर दूंगी ऑयल के साथ। जीरा फ्राई हो चुका है, मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसे कढ़ी के अंदर। अब मैं डाल दूंगी सब धनिया ऊपर। कढ़ी रेडी हो चुकी है, अब मैं निकालूंगी इसे बाउल में। कढ़ी पकौड़ा मैंने बाउल में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।